गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट इज योर मैथ पीरियड। आई विल टीच रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 14। आज मैं आपको 14 चैप्टर का रिवीजन कराने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले 14 चैप्टर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले आप फॉर्मूले समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला किसका, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ये एसपी क्या है, एसपी है सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर हर वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं। जितने मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है, परचेस किया जाता है, उसको एससीपी कहते हैं। तो जब प्रॉफिट निकालना होता है एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, मतलब प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई वस्तु कम पैसे में खरीद करके ज्यादा पैसे में बिकेगी, ज्यादा मूल्य पर बिकेगी, तो वहां पर प्रॉफिट होगा। और जब जितने मूल्य में वस्तु को खरीदा गया है और उससे कम मूल्य पर जब वो बिकेगी तो उसको हम लॉस कहेंगे। यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या है, लॉस का फार्मूला है, लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक, ये दो फार्मूले कॉमन है, इनको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है और इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन को समझाएंगे और आप लोग इसको ठीक प्रकार से समझेंगे। समझ में आ गया सभी को? देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। क्या दिया गया है, व्हेन एसपी इज इक्वल टू दिया गया है ₹56 और सीपी दिया हुआ है कितना, ₹50 दिया हुआ है। ठीक, देखिए जरा प्रॉफिट निकालना है, एसपी दिया गया है ₹56, सेलिंग प्राइस दिया गया है ₹56 और कॉस्ट प्राइस दिया गया है ₹50। यानी कि कोई वस्तु है उसको हमने ₹50 का खरीद करके ₹56 में बेच दिया, तो क्या हुआ, इसमें हमको प्रॉफिट हुआ। तो हमने तुरंत यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की जगह पर एसपी लिखा, एसपी कितना है ₹56 है और सीपी कितना है ₹50। अब हम 56 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ₹6 आएगा। तो ₹6 का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। बात समझ आ गई, ₹6 का आपको प्रॉफिट हो गया और ये हमारा आंसर हो गया ₹6। सभी को समझ आ गया। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एसपी इज इक्वल टू ₹491 एंड सीपी इक्वल टू ₹500, then find loss, loss निकालना है। क्या दिया गया है, सीपी दिया गया, एसपी दिया गया है ₹491 और सीपी दिया हुआ है ₹500। यानी कि ₹500 में खरीद करके ₹490 में बेचा है, तो क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ पर हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी।
कितना दिया गया है 500 रुपीज दिया गया है, एसटी कितना दिया गया है 491 रुपीज दिया गया है। अब यहाँ पर 500 में से 491 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 दिया 9 बचा, 9 में से 9 दिया 0, 4 में से 4 दिया 0, कितने रुपीज आया 9 रुपीज यहाँ पर लॉस आ गया। मतलब 500 रुपीज में खरीदकर 400 रुपीज में 491 रुपीज से बेचेंगे तो क्या आएगा 9 रुपीज का आपको लॉस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन और भी है आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड प्रॉफिट व्हेन सीपी इक्वल टू रुपीज 198 एंड एसपी इक्वल टू रुपीज 220। ठीक, तो देखिए यहां पर 198 रुपीज में इसी वस्तु को खरीदा और 220 रुपीज में बेच दिया, मतलब क्या हुआ प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 220 रुपीज है और सीपी कितना है, सीपी यहां पर है 198 रुपीज। बात समझ में आ गई। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से कैसे माइनस करेंगे, 220 में 198 को यहां पर माइनस करेंगे तो जीरो में से एक माइनस नहीं होगा, इसने इसको वन दे दिया, यहां पर 10 हो गया और यहां पर 1 बचा, 10 में से एक माइनस हुआ 2 बचा, यहां पर 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसने इसको 1 दे दिया 11 हो गया, 11 में से 9 माइनस किया 2 बचा, 1 में से 1 गया 3। ठीक, कितना आया 22 रुपीज आया है, माइनस करने पे कितना आया 22 रुपीज आया और ये क्या आया प्रॉफिट आया। आंसर क्या लिखेंगे यहां पर, आंसर लिखेंगे रुपीज 22। ठीक बात, सबको ध्यान में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है को भी काफी। आप आइए
प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट सी व्हेन सीपी इक्वल टू 525 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू रुपीज 550। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइव लॉस व्हेन सीपी इक्वल टू 48 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 36। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट इक्वल व्हेन सीपी इक्वल टू 125 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 128 रुपीज। ठीक, नंबर फोर क्वेश्चन है फाइंड लॉस निकालना है, जबकि क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 226 रुपीज 326 रुपीज एंड एसपी दिया हुआ है आपका 300 रुपीज। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसको आप